Good morning, students. Up till now, we have studied about owner's fund, that is the issuance of equity shares, preference shares, retained earning, and the international depository receipts. So today we are going to start the sources that are available if you are using the borrowed fund. Now, what do you have understand by borrowed fund? We have already seen that is suppose internally, if you are not able to manage the funding, then you are dependent upon the external so that you can arrange or raise your additional capital. So what do you mean by borrowed fund? It means when you are borrowing the funding, okay, or you are taking the finance or borrowing the finance from external party, that is termed as borrowed fund. Suppose a company is resorting to borrowed fund, then what are the options available? Kahan kahan se wo funds borrow kar sakti hai? So usually four options are available before the company. Either it can issue debentures, जैसे उन्होंने equity और preference shares internally issue करते हैं, वैसे वो बाहर के लोगों को debentures issue कर सकते हैं, or else trade credit is the option, public deposit कर सकती है, या loan, it can take loan from any financial institutions and commercial bank. So these are the four sources of the borrowed fund. So today we are going to see what do you understand by debentures. Now we have ऑलरेडी सीन कि अगर इंटरनल सोर्स कंपनी लेती है, यूज करना चाहती है, ठीक है, तो वन ऑफ द ऑप्शन दैट इज अवेलेबल वॉज शेयर्स. शेयर्स का मतलब क्या था कि जितना भी फर्म का कंपनी का टोटल कैपिटल है, इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, और हर एक यूनिट को क्या कहा जाता है, इट इज टर्म्ड एज शेयर. ठीक है, तो शेयर्स हमारे क्या थे, वेदर इट इज इशूइंग इक्विटी शेयर्स और वेदर इट इज इशूइंग प्रेफरेंस शेयर, दे आर टर्म्ड एज दी ओनर्स ऑफ दी कंपनी, हैंस दे कम्स अंडर दी ओनर्स फंड. एंड सेकेंडली, वो इंटरनली सोर्स रेस्ड हुआ है, तो इट कम्स अंडर दी इंटरनल सोर्स. एंड अगेन, वेन एवर यू आर इशूइंग एनी शेयर, इट इज ऑलवेज मेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो इट कम्स अंडर दी सोर्स, इट कम्स अंडर दी लॉन्ग टर्म सोर्स. सिमिलरली डिबेंचर्स, अगर कंपनी इंटरनल वे में इफ इट इज नॉट एबल टू इश्यू दी शेयर, सो वन ऑफ दी ऑप्शन दैट इज अवेलेबल बिफोर दी कंपनी इज दे कैन गो फॉर इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, सो डिबेंचर्स क्या है, इट इज डिबेंचर्स ये बोरो कर रही है, फॉर्म के बाहर से बोरो कर रही है, सो इट कम्स अंडर दी बोरो सोर्स. सिमिलरली एक्सटर्नल पार्टी पे डिपेंडेंट है, सो एक्सटर्नल सोर्स में आती है. एंड ऑलवेज डिबेंचर्स आर मेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे आर इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हेंस दे कम अंडर दी लॉन्ग टर्म सोर्स. तो ये डिबेंचर्स होते क्या है, जब भी कोई भी कंपनी इफ दे आर इशूइंग दी डिबेंचर्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट एंड स्टेट्स दैट कंपनी हैज बोरोड अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी विच इट प्रोमिसेज टू रिपे एट अ फ्यूचर. एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, डिबेंचर्स का मतलब क्या है, आपने किसी से उधार लिया हुआ है, तो डेट का मतलब क्या है, आपने उधार लिया हुआ है, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो. तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है कि फ्यूचर में जो भी अमाउंट मैंने आपसे लिया है, मैं आपको फ्यूचर में एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे आई विल बी रीपेइंग इट बैक टू दी इन्वेस्टर. सो डिबेंचर्स आर नथिंग बट दी एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, मैंने आपसे उधार लिया हुआ है, मैं उसको आपको एक्नॉलेज कर रही हूँ कि यस, मैंने आपसे डेट लिया हुआ है. और वो जो भी रिसिप्ट होती है, वो सर्टिफिकेट में क्या लिखते हैं, तो कंपनी स्पेसिफाइड कि हमने आपसे इतना अमाउंट बोरो किया हुआ है, और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि ये जो फ्यूचर डेट है, दो साल, तीन साल, पांच साल, जो भी पीरियड के लिए मैंने इशू किए हैं डिबेंचर्स का, डेट विल बी रीपे बैक टू यू. सो डिबेंचर्स आर दी एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट. सो ये जो डिबेंचर्स होते हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स है, जिन्होंने हमसे डिबेंचर्स खरीदे हैं, वो हमारे कंपनी के क्या कहलाएंगे, दे विल बी टर्म्ड एज दी क्रेडिटर्स ऑफ दी कंपनी. जैसे शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर थे वो क्या कहलाते थे, दे वर दी ओनर्स ऑफ दी फर्म, तो डिबेंचर होल्डर क्या कहलाएंगे, दे विल बी टर्म्ड एज दी क्रेडिटर्स ऑफ दी फर्म और क्रेडिटर्स ऑफ दी कंपनी. सिमिलरली, अगर कभी भी फर्म को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन चाहिए, तो डिबेंचर इज वन ऑफ दी ऑप्शन अवेलेबल. ये जो डिबेंचर्स होते हैं, यूजुअली जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर में देखा था कि 10% या 15% अगर प्रेफरेंस शेयर है, इसका मतलब क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलने वाला है, वैसे ही डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड कि 10% डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो, या 12% डिबेंचर्स कर रहे हो, या 15% डिबेंचर्स कर रहे हो, तो वो जो 10% या 15% है, वो क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दी फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट विल बी पेड बाई दी कंपनी टू दी डिबेंचर होल्डर. सी, डिबेंचर होल्डर को सिंपल वे में आप ये ले लो, जैसे आपका बैंक में अकाउंट, आपने सेविंग्स अकाउंट ओपन किया है, आपने पैसे दिए हैं बैंक को, और हर महीने, हर एवरेजली थ्री मंथ और सिक्स मंथ्स में बैंक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट फॉरवर्ड करती है या इंटरेस्ट डालती है, तो सिमिलरली इट गोज विथ डिबेंचर्स ऑल्सो. ठीक है,
So debentures, it carries a fixed rate of interest, not considering the profit of the company. कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, इससे डिबेंचर होल्डर को कोई लेना देना नहीं है. हर महीने या हर 6 महीने में वॉट एवर इज फिक्स बिटवीन दी कंपनी एंड दी डिबेंचर होल्डर, एज पर दैट दी इंटरेस्ट विल बी पेड टू दी डिबेंचर होल्डर. एंड वन ऑफ दी इम्पोर्टेंट असेंशियल फॉर डिबेंचर इज, जो भी कंपनी ये डिबेंचर इश्यू करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल हैव टू गेट इट रेटेड बाई दी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, जैसे कोई भी बाहर वाला के कंपनी का डिबेंचर्स नहीं खरीदेगा, उनको ट्रस्ट होना चाहिए कंपनी के ऊपर. ठीक है, जैसे अगर स्कूल को NAAC का एक्रेडिशन होगा तो ही जाके आप वो स्कूल को सिलेक्ट करते हो कि यस ये स्कूल के पास ये एक्रेडिशन है, तो ही देन ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस स्कूल. सिमिलरली गोज फॉर डिबेंचर्स ऑल्सो. वेन एवर अ कंपनी इज प्लानिंग टू इश्यू एनी डिबेंचर्स टू दी डिबेंचर होल्डर, फर्स्ट इट हैज टू गेट दी रेटिंग फ्रॉम दी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. वन सच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज क्रिसिल, दैट इज क्रेडिट रेटिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड. जो कोई भी कंपनी के डिबेंचर्स को दे वो रेटिंग किस वे पे देती है कंपनी को, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, व्हाट इज दी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, पूरे 5 साल में क्या क्या कंपनी का फाइनेंशियल पोजिशन रहा है, व्हाट इज दी क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी इन दी मार्केट, हाउ मच इट इज वेल नोन इन दी मार्केट और वेल नोन अमंग दी कॉम्पिटिटर्स, एंड वॉट मे बी दी पोटेंशियल रिस्क इफ दी कंपनी इज फ्लोटिंग और इशूइंग डिबेंचर्स इन दी मार्केट. सो ये सारी चीजों के बेस पे कंपनी विल बी असेस्ड बाई दी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड देन इट विल गिव दी रेटिंग टू दी कंपनी बिफोर इट इश्यूज दी डिबेंचर्स टू दी पब्लिक. बिकॉज कोई भी पब्लिक अगर डिबेंचर होल्डर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट दे आर गोइंग टू सी वेदर दी कंपनी इज एफिशियंटली रेटेड, जैसे A++, B++ ऐसी रेटिंग दी जाती है, एंड देन दी इन्वेस्टर और द डिबेंचर होल्डर में डिसाइड वेदर इट वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन दी डिबेंचर्स ऑफ द फर्म और नॉट. सो दैट्स अबाउट दी डिबेंचर्स. मेन चीज आपको क्या याद रखनी है डिबेंचर्स में, इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट वेर अ कंपनी इज प्रोमिसिंग टू रिपे दी अमाउंट एट अ फ्यूचर डेट वॉट एवर इज दी डेट. ये जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं दे आर दी क्रेडिटर्स ऑफ दी कंपनी, वेर एज शेयर होल्डर्स दे आर दी ओनर्स ऑफ दी कंपनी. फिर डिबेंचर्स में डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, दे विल गेट दी फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो दे विल गेट अ फिक्स डिविडेंड, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऐसा कोई भी रेट ये नहीं मिलता, ना उनको डिविडेंड मिलता है ना उनको इंटरेस्ट मिलता है, दे डायरेक्टली गेट दी रिटर्न. एंड वेन एवर एनी कंपनी इज गोइंग टू इशू दी डिबेंचर्स, बट इट हैज टू गेट दी क्रेडिट रेटिंग डन. सो क्विकली वील गो थ्रू दी वॉट आर दी मेरिट्स ऑफ दी कंपनी और टू द इन्वेस्टर्स हु आर गोइंग टू गेट दी डिबेंचर और परचेज दी डिबेंचर. तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, जिनको भी फिक्स इनकम चाहिए, बहुत लेस रिस्क लेना है, दे विल प्रीफर टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स. वाई फिक्स इनकम, बिकॉज आपको यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट मिलते रहेगा हर महीने या हर 3-3 महीने में, और इसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, यानी कंपनी प्रॉफिट अर्न करे नहीं करे इससे डिबेंचर होल्डर को कोई लेना देना नहीं है, उनको हर महीने फिक्स इंटरेस्ट उनका मिलने ही वाला है, एंड पैसा तो डूबने वाला है नहीं. बिकॉज कुछ भी हो जाए, जो भी फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट है, दैट डेट दी टोटल अमाउंट ऑफ मनी हैज टू बी पेड टू द डिबेंचर होल्डर. तो इसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है. सो डिबेंचर होल्डर कैन बी ऑप्शन, वन ऑफ द गुड ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टर हु वॉन्ट फिक्स इनकम बट एट अ लेस रिस्क. सिमिलरली व्हेनेवर ये कभी भी कंपनी इश्यू ऑफ डिबेंचर कब एक सुटेबल ऑप्शन करती है, जब भी उनकी कैश इनफ्लो स्टेबल है, ठीक है, यानी उनकी सेल्स रेगुलर है, उनकी अर्निंग रेगुलर है, सो दैट देयर विल बी कैश इनफ्लो. अब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो मतलब क्या है, कैश इनफ्लो मतलब क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, तो बट ऑब्वियस है पैसा कहाँ से अंदर कंपनी में आएगा, वेन एवर इट इज गोइंग टू सेल इट्स प्रोडक्ट देन ओनली इट इज गोइंग टू अर्न दी इनकम. सो जो भी इनकम्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज कैश इनफ्लो. एंड जब भी आपका पैसा बाहर जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, सप्लायर को पैसा पे करना है, तो दैट इज टर्म्ड एज कैश आउटफ्लो. तो यूजुअली कंपनी कोई भी डिबेंचर्स कब इशू करने जाती है, वेन एवर दी कैश इनफ्लोज आर स्टेबल, यानी स्टेबल अर्निंग है, स्टेबल प्रॉफिट अर्न कर रही है, देन दी इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर दी कंपनी. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है डिबेंचर्स का कोई वोटिंग राइट नहीं है, जैसे इन शेयर्स वी हैव सीन कि वंस यू बिकम द शेयर होल्डर दे आर दी ओनर्स ऑफ दी फंड, हैंस ओनर्स ऑफ दी फर्म, सो दे हैव दी वोटिंग राइट, यानी दे हैव फुल कंट्रोल ओवर दी मैनेजमेंट. जबकि डिबेंचर होल्डर के दे आर दी एक्सटर्नल, दे आर दी क्रेडिटर, तो उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती, तो ऐसा दे आर नॉट गोइंग टू हैम्पर दी डिसीजन या फिर उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा मैनेजमेंट में. एंड दी वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट दैट अ डिबेंचर होल्डर गेट्स इज द इंटरेस्ट पेमेंट इज टैक्स डिडक्टेबल. नाउ वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई टैक्स डिडक्टेबल? सो हियर आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल. लेट अस अज्यूम कि सपोज टोटल कैपिटल जो है फर्म की वो 20 लैक्स है,
ठीक है, 20 लाख इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये 20 लाख का कैपिटल फर्म ने किस तरह से क्रिएट किया है, तो 15 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं एंड 5,000 के उन्होंने डिबेंचर्स इशू किए। नाउ यू यू कैन सी 10% डिबेंचर, सो 10% डिबेंचर डिबेंचर के इंडिकेट करते हैं दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट विल बी पेड टू द डिबेंचर होल्डर, दैट विल बी 10%। ऐसे टोटल कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, 5,000 डिबेंचर्स इशू किया है और एक डिबेंचर की प्राइस क्या है, 100 रुपीज। इज इट क्लियर? एंड सपोज द फर्म इज अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। नाउ कभी भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसके ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सपोज द टैक्स रेट, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट डाउन हियर टैक्स रेट। सपोज अज्यूम करो कि टैक्स रेट फर्म का कितना है, 30% है, ठीक है, 30%। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट कि 4 लाख के ऊपर उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 4 लाख के ऊपर दे विल हैव टू पे द टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ 30%, पूरे के पूरे 4 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन नाउ द कंपनी इज इशूइंग द डिबेंचर, सो कंपनी वेन एवर कंपनी इज इशूइंग द डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो कंपनी यहाँ पे कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 5,000 × 100 यानी 5 लाख है, 5 लाख का 10% कितना होगा, 50,000 विल बी द इंटरेस्ट। सो इंस्पाइट ऑफ पेइंग टैक्स ऑन 4 लाख, कंपनी टैक्स कितने के ऊपर पे करेगी, कंपनी विल बी पेइंग टैक्स ओनली ऑन 3,50,000। क्यों? बिकॉज ये जो 50,000 है दैट इज द इंटरेस्ट, तो ये जो भी इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी करती है दैट इज टैक्स डिडक्टेबल, वो आपको टैक्स के इसमें आप उसको डिडक्ट कर सकते हो। सो योर टैक्स पेमेंट विल बी लेस वेन एवर यू आर इशूइंग दी डिबेंचर्स, दैट्स वाई द इंटरेस्ट पेमेंट टैक्स इज अ दैट इज द अमाउंट वॉट एवर इज पेड विच इज पेड एज अ टैक्स दैट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। जो आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड है दैट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। सो दैट आर द मेरिट्स। एंड टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन, ऑफकोर्स वेन एवर यू आर इशूइंग द डिबेंचर्स इट इज अ परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी, बिकॉज आपको पेमेंट जो भी है इंटरेस्ट का वो फिक्स रेट पे आपको हमेशा पे करना ही है, दैट इज अ कंपल्सरी वेदर द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। सिमिलरली सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि वेन एवर अ कंपनी इज इशूइंग रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर, डिबेंचर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इररिडीमेबल। इररिडीमेबल मतलब विच कैनॉट बी रिडीम, जब तक स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है तब तक आप कभी भी उसको रिडीम नहीं कर सकते हो, एक्सपायरी के ऊपर ही वो डिबेंचर्स का पैसा मिल सकता है। जबकि रिडीमेबल मतलब क्या है, सपोज आपने डिबेंचर्स लिए हैं 5 साल के लिए लेकिन एकदम 2 साल के अंदर ही आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो दैट इज यू कैन, इफ यू हैव टेकन रिडीमेबल डिबेंचर दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन टू दी कैश विदाउट वेटिंग फॉर दी स्पेसिफाइड पीरियड। तो अगर कंपनी ने रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू किया है सो व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इन्वॉल्व्स अ फिक्स कमिटमेंट ऑफ रिपेमेंट ऑन दी स्पेसिफाइड डेट। तो कभी कभी कंपनी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, जैसे अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो उस समय पे उनको प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा विच में बिकम अ बर्डन ऑन दी कंपनी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इट क्रिएट्स अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ दी कंपनी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ दी कंपनी, दैट वी हैव ऑल्सो सीन, जैसे शेयर्स प्रेफरेंस या इसमें कोई चार्ज नहीं होता जबकि डिबेंचर में चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है, डिबेंचर होल्डर को अपने पैसे से मतलब है, इफ टुमारो अगर कंपनी पैसा नहीं पे कर पा रही है तो उनको उनके एसेट्स, कंपनी के एसेट्स बेचकर भी उनको पैसा पे करना पड़ेगा। सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज एज फार एज द डिबेंचर्स इज कंसर्न, इट क्रिएट्स चार्ज ऑन एसेट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डिबेंचर्स, टुमारो वी विल डील विद द अदर सोर्स ऑफ बोरोड फंड। थैंक यू।